Okay, so today we will be discussing type 4, that is multiple case equations. अब यहां देखो, ये टाइप को पहचानेंगे कैसे? तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि देखो, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसके अंदर मान लो 2x है, या मान लो 3x है, या ऐसे है, देखो x by 6 है, ऐसे टाइप का जब भी केसेस होगा कि whenever x is multiplied or divided by any integer like this. So that means it is a equation of type 4, correct? अब ऐसे केसेस को हैंडल कैसे करेंगे? तो देखो, मैं एग्जाम्पल लेके ही समझा सकता हूं, ठीक है? तो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल लाइक दिस कि मान लो मैंने इक्वेशन दिया कि सॉल्व करो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x और प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2x इज इक्वल टू सपोज 4 दिया, ठीक है? और यहां पे ये भी एक आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या है, यहां पे ये नंबर जितना बड़ा होगा, याद रखो, उतना ज्यादा केसेस में ये इक्वेशन सॉल्व होगा, ठीक है? अब यहां सबसे पहला काम ये करोगे कि x इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स, देखो इंटीग्रल पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट, तो स्क्वायर ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट नहीं लिख के मैं आई और एफ लिख रहा हूं, ठीक है? अब इक्वेशन के अंदर एक्स को रिप्लेस करो, तो देखो इंटीग्रल पार्ट ऑफ आई प्लस एफ, यहां पे क्या होगा, 2i प्लस 2f, और ये इक्वल टू 4। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या, देखो ऐसा एक प्रॉपर्टी तो पढ़े हो कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस n, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस n, देखो ये लिख सकते हैं व्हेन n इज एन इंटीजर, देखो कैन वी राइट इट लाइक दिस? तो अब यहां देखो, ये दोनों टर्म्स में इंटीजर कौन सा है बताओ, विच वन इज एन इंटीजर हियर? आई इज एन इंटीजर, यहां पे 2i इज एन इंटीजर, तो i और 2i दोनों ही बाहर जाएगा, तो हम यहां पे देखो i प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ f प्लस 2i प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2f, और ये इक्वल टू 4, देखो क्या ऐसा लिख सकते हैं? देखो इसमें कोई कंफ्यूजन? नो सर। तो अब यहां पे देखो, अब ये इक्वेशन को हम रीराइट करके देखो ये फॉर्मेट में लिखा जा सकता है दिस इक्वेशन, देखो ये स्टेप में कोई। अब यहां लॉजिक समझो, देखो एफ तुम्हारा 0 से 1 में है तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ एफ विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0, यस और नो? लेकिन देखो 2f कहां से कहां लाई करेगा, 0 से 2, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2f क्या क्या वैल्यूज दे सकता है? देखो अगर 0 से 0 और 1, वेरी गुड, तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। 0 कब होगा, जब 2f 0 से 1 में लाई करेगा तब, और 2f जब तुम्हारा 1 से 2 में लाई करेगा तब ये 1 होगा। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे बताओ, f lies between 0 and half, और यहां से क्या आया, f lies between half and 1, देखो तो f half से 1 में इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2f 1 है, और f जब 0 से half में है तब ये आया। तो अब देखो, अब यहां दो केस आया, यानी ये इक्वेशन दो केस में सॉल्व होगा। तो अब हम पहला केस ले रहे हैं, केस 1, f lies between 0 to half, करेक्ट? अब बताओ ये इक्वेशन में क्या क्या वैल्यूज पुट करोगे, यहां से हम क्या लिखेंगे बोलो, 3i इज इक्वल टू, बोलो ये दोनों का वैल्यू कितना होगा, माइनस 0, ये भी तो 0 होगा, 3f क्या हो जाएगा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ f इज 0, इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2f भी तो 0, तो i इक्वल टू देखो 4/3 होता है। अब बताओ एक इंटीजर 4/3 पॉसिबल है क्या? नो सर। तो क्या ये सॉल्यूशन वैलिड है? नहीं है। नो सर। अब केस 2 लो, f अगर तुम्हारा हाफ से लेकर 1 में लाई किया, तो अब इस इक्वेशन को बताओ क्या लिखोगे? देखो 3i इज इक्वल टू 4 माइनस 0 माइनस, अब देखो इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2f कितना है, 1 है, तो 3i इज इक्वल टू 3, सो दैट मींस i इज इक्वल टू 1, देखो ये आया। देखो क्या ये स्टेप समझ में आया?
यस सर। देखो देखो किसी को नहीं आया पूछो। अब एक्स क्या है तुम्हारा, देखो। हाँ बोलो सर, केस वन में जीरो माइनस जीरो क्यों लिया गया उसमें? देखो एफ अगर हाफ से वन, जीरो से हाफ में है तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ टू एफ जीरो हुआ, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एफ भी कितना हुआ? जीरो। तो दोनों का वैल्यू यहाँ जीरो जीरो पुट करो। तो व्हाट इज नाउ द इक्वेशन, थ्री आई इज इक्वल टू फोर। ये देखो थ्री आई इज इक्वल टू फोर, तो आई कितना हुआ? फोर बाई थ्री। देखो करस्पॉन्डिंग टू दिस इंटरवल, ये इंटरवल का करस्पॉन्डिंग में वैल्यू लिखता है, ठीक है। अब देखो आई अगर वन है और एफ इस रेंज में, तो आई प्लस एफ का रेंज क्या होगा बताओ? देखो हाफ के साथ यहाँ पे आई एड कर दोगे, आई प्लस हाफ, और यहाँ आई प्लस वन। अब आई का वैल्यू कितना आया बताओ? वन आया, और आई प्लस एफ एक्स होता है, तो वन प्लस हाफ यानी कितना हुआ? थ्री बाई टू, और टू यानी एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल थ्री बाई टू टू टू। दिस इज द सॉल्यूशन सेट विच यू आर गेटिंग फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। तो यहां देखो बाकी तीन में यहां पे डिफरेंस क्या है? बाकी तीन टाइप में एक्स का पर्टिकुलर वैल्यू आया था, यहां पे देखो पूरा एक्स सेट आ रहा है। देखो वैलिड है कि नहीं ये चेक करो। एक्स अगर तुमने थ्री बाई टू लिया तो देखो थ्री बाई टू यानी 1.5 का इंटीग्रल पार्ट कितना हुआ? वन। टू इंटू 1.5, थ्री का इंटीग्रल पार्ट कितना हुआ? तो 1 प्लस 3 कितना हुआ? 4। देखो इक्वेशन होल्ड कर रहा है कि नहीं? अब मान लो 1.9 लिए, ठीक है? तो 1.9 अगर लेते हो तो ये बताओ 1.9 का इंटीग्रल पार्ट कितना हुआ? 1। 2 इंटू 1.9 कितना हुआ? 3.8। यस सर। 3.8 का इंटीग्रल पार्ट 3 हुआ, तो 1 प्लस 3 देखो 4। होल्ड किया इक्वेशन कि नहीं किया? किया सर। तो अब समझ में आया ये कैसे सॉल्व किया जाएगा? मैं एक और क्वेश्चन लेके दिखा रहा हूं, देखो ये लिख लियो। एक मिनट, समझ में आया? देखो किसी को भी कंफ्यूजन है तो पूछो। एनीबडी हैविंग अ कंफ्यूजन? जल्दी लिखो। देखो इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? देखो मैं और थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन लेता हूं, देन इट विल बिकम क्लियर। और इसका पहचान याद रखना क्या है कि एक्स इज ऑलवेज हैविंग अ मल्टीपल इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है? लिखो इफ y इज इक्वल टू
इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्वेश्चन पूरा लिखना 2x plus 5 is 3 times integral part of x minus 4. Okay. If y equals to integral part of 2x plus 5 equals to 3 times integral part of x minus 4, find the average value of integral part of 3x plus y. Okay. मैंने average value पूछा है. अब यहां देखो ये थोड़ा ट्रिकी जेई एडवांस टाइप का क्वेश्चन हो गया. ठीक है, अब यहां केयरफुली सबसे पहले तो ये इक्वेशन देखो. अब ये बताओ ये इंटीग्रल पार्ट है तो वाई इंटीजर है कि नहीं है? यस सर. इस इक्वेशन से हम एक बात तो क्लियर कह सकते हैं कि वाई इज ऑलवेज इक्वल टू एन इंटीजर. देखो यस और नो, तो ये निकालने का मतलब क्या हुआ? मुझे इंटीग्रल पार्ट ऑफ 3x और प्लस y ये कैलकुलेट करना. अब इस इक्वेशन को देखो तो यहां से हम ये जो 5 है इस 5 को ब्रैकेट के बाहर ले जा सकते हैं. राइट साइड में देखो ये 3 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ x माइनस 4. देखो क्या ये स्टेप से ये स्टेप देखो समझ में आया सबको? हाँ सर. तो देखो इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2x ठीक है प्लस 5 इज 3 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ x माइनस 12. देखो दिस इज दिस स्टेप क्लियर? अब सेम तरीके से देखो x को तुम i प्लस f पहले लोगे. अब इस इक्वेशन में पुट करो तो देखो 2i प्लस 2f का इंटीग्रल पार्ट और प्लस 5 इज 3 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ i प्लस f और माइनस 12. देखो इज दिस स्टेप क्लियर टू यू? फाइव को तुम राइट में भी ले आ सकते हो इज इक्वल टू 3 टाइम्स i प्लस 3 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ f माइनस 17. देखो अब यहां पे देखो 2i कैंसिल हो गया तो i इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2f माइनस 3 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ f और प्लस 17. देखो ये स्टेटमेंट तक देखो किसी को कोई भी कंफ्यूजन है? सभी लोग देखो ध्यान से. एनीबडी हैविंग एनी कंफ्यूजन टिल दिस स्टेप? नो सर. ओके, अब देखो यहां भी 2f है तो जस्ट पिछला क्वेश्चन की तरह यहां भी कितना केस आएगा? देखो दो केस आएगा और यहां पे एक शॉर्टकट मारना सिखा रहा हूं. देखो ध्यान से अब जनरलाइज करके बता रहा हूं. अगर मान लो यहां 3f होता तो f का रेंज देखो 0 से 1 है. तो अगर 3f अगर होता तो तुम सीधे देखो इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो. ठीक है, तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करो. देखो 0 से 1/3, 1/3 टू 2/3, 2/3 टू 1. अगर 4f होता तो 0 टू 1/4, 1/4 टू 2/4, 2/4 टू 3/4 एंड देन 3/4 टू 1. मतलब यहां जितना नंबर होगा f 0 टू 1 लाइन सेगमेंट को उतना इक्वल पार्ट में डिवाइड करो. ठीक है, उतना केसेस लेना. तो यहां 2f है तो पहला केस क्या होगा बताओ? दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो अब बताओ इंटीग्रल पार्ट ऑफ f कितना होगा? 0. इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2f क्या होगा? 0 ही ना होगा. 2f देखो 0 से 1 में लाई करेगा तो उसका इंटीग्रल पार्ट 0 होगा. तो दिस मींस i इज इक्वल टू देखो 0 माइनस 0 प्लस 17. तो देखो i 17 आया. देखो ये स्टेप क्लियर हुआ कि नहीं बताओ? Yes, sir. तो i प्लस f का रेंज क्या होगा बताओ? i प्लस f देखो 17 प्लस 0 17 हो गया और 17 एंड हाफ यानी कितना हुआ? ये 17.5. अब देखो i प्लस f तुम्हारा क्या है? x है. तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 17 लेस देन 17.5 है. अब देखो यहां मुझे क्या चाहिए बताओ? इंटीग्रल पार्ट ऑफ 3x में चाहिए
तो 3x कहां से कहां लाई करेगा, 51, तो ये हो गया तुम्हारा 52.5। देखो क्या ऐसा कहेंगे? तो अब बताओ अगर 3x इसमें है तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ 3x का पॉसिबल वैल्यूज बताओ। देखो एक नंबर 51 से 52.5 तक है तो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इंटीग्रल पार्ट? क्या बताओ? हाँ 51 एंड 52। वेरी गुड। तो ये पार्ट देखो मुझे मिल गया। अब y निकालो यहां से। देखो जरा ध्यान से मैं इस इक्वेशन को लिख रहा हूं। देखो क्या यहां से y 3 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ x माइनस 12, दैट मीन्स दिस इज 3i माइनस 12। देखो यही ना y होता है, कह सकते हैं? यस सर। तो अब इंटीग्रल पार्ट ऑफ 3x ये आया तो y बताओ क्या लिखोगे? 3 इंटू, अब देखो i कितना आया था, 17, तो 3 इंटू 17 माइनस 12, देखो ये कह सकते हैं? तो 51 माइनस 12 इज हाउ मच, 39। तो देखो ये केस में, केस वन में ये वैल्यू आया। तो अब यहां पे देखो इंटीग्रल पार्ट ऑफ 3x प्लस y का पॉसिबल वैल्यूज देखो क्या होगा। इंटीग्रल पार्ट ऑफ 3x इज 51, अगर एक केस में हुआ तो 51 प्लस 39 और इट इज 52 प्लस 39, यानी ये एक वैल्यू आया 90 और दूसरा पॉसिबल वैल्यू 91। देखो ये तो केस वन लिखे हो पहले? नो सर, अभी लिखते। केस वन लिखो फिर हम लोग केस टू सॉल्व करेंगे और फिर जितना वैल्यूज आएगा सबका मीन ले लोगे, क्योंकि एवरेज का मतलब वही होता है। देखो लॉजिक हर स्टेप में समझ में आया, तो क्वेश्चन तुमको ऐसे देगा। देखो क्वेश्चन कहीं भी बोला है कि इक्वेशन सॉल्व करो, लेकिन जैसे यहाँ इक्वालिटी आ गया मतलब ये, और एक जगह x है यहाँ 2x है, ठीक है, तो दैट मीन्स कि ये मल्टीपल केस इक्वेशन। और हाँ एक बात क्लियरली याद रखना कि अगर मैंने ये लिखा है दिस इज कैनॉट बी रिटन लाइक दिस, ऐसा अगर लिखते हो तो गलत लिखते हो, क्योंकि ऐसा मैंने कोई प्रॉपर्टी नहीं सिखाया है। जल्दी लिखो। देखो केस वन थोरोली समझ में आया। Should I rub this one? Yes, sir. तब देखो केस टू में क्या लेंगे बताओ? जीरो से हाफ पहला लिया तो केस टू क्या लोगे बोलो? हाफ से वन। हाफ से वन लेंगे। तो देखो केस टू हो गया तुम्हारा एफ अगर हाफ से वन में है। अब देखो इंटरवल का सिग्निफिकेंस यही दोनों के लिए ना है, तो बताओ अब यहाँ इंटीग्रल पार्ट ऑफ एफ कितना होगा बोलो? वन है, ठीक से देखो। कोई नंबर अगर 0.5 से 0.999 तक है, लेस देन वन, तो उसका इंटीग्रल पार्ट कितना होगा बच्चे? जीरो से वन। अब बताओ 2f कहां से कहां लाई करेगा? जीरो। फिर तुम गलती कर रहे हो,
कुछ भी बोलता है नहीं, देख टू से मल्टीप्लाई कर तो क्या ये वन से टू आया, और जब नंबर वन से टू में लाई करेगा तो उसका इंटीग्रल पार्ट कितना होगा, तो फिर जीरो कैसे बोल रहा है। अब ये दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन में वापस पुट करो, तो देखो i इज इक्वल टू वन माइनस थ्री इंटू जीरो और प्लस 17, यानी कितना आया देख 18 आया। तो यहां से बताओ y का वैल्यू क्या होगा, देखो 3i माइनस 12, तो देखो 3 इंटू 18 माइनस 12 तो 54 माइनस 12 यानी 42 आ गया। अब देखो i प्लस f का रेंज क्या होगा, तो 18 प्लस हाफ यानी 18.5 से लेकर 19 होगा, तो देखो दैट मींस x का रेंज है 18.5 से 19, तो 3x का रेंज क्या होगा बताओ, 18 3 इज 54, 55.5 एंड 57, देखो क्या ये लिख सकते हैं। अब अगर 3x का रेंज ये है तो इसमें कौन कौन सा इंटीजर्स पॉसिबल है बताओ, अब ये तो आंसर दो यार, इंटीग्रल पार्ट 55 एंड 56। तो अब ये देखो दो, हाँ बोलो सर, अरुण को एडमिन कर, अब वो निकल कैसे गया, इश नेटवर्क प्रॉब्लम। अब देखो ये दोनों वैल्यूज मेरा आ गया, तो अब इंटीग्रल पार्ट ऑफ 3x प्लस y, देखो ये हो जाएगा इंटीग्रल पार्ट ऑफ 3x प्लस y, तब इंटीग्रल पार्ट ऑफ 3x इज आइदर 55 और 56, देखो y क्या है 42, तो ये दो वैल्यूज दिखवाता है 97 98, तो केस वन के करस्पॉन्डिंग देखो वैल्यू क्या आया था 90 91, यहां कितना आया 97 98। अब इन चारों का एवरेज लेना है मुझे, तो देखो इसका एवरेज वैल्यू क्या होगा, तो एवरेज वैल्यू विल बी 90 प्लस 91 प्लस 97 प्लस 98 और डिवाइडेड बाय 4, देखो क्या यही कहेंगे क्या बात, हाँ ना कुछ तो बोल रहे बच्चा, यस सर, तो बता इसका एवरेज कितना आया, ये भी सोचेगा जल्दी बोल, नहीं बोला यहीं से तो दिख रहा था, 90 98 का तेरा एवरेज कितना हुआ 94 हुआ, अब देख इन दोनों का भी एवरेज कितना हुआ 94 हुआ, तो यही तो दिख रहा है, तो मीन वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल पार्ट ऑफ 3x प्लस y इज दिस मच, ठीक है, देखो समझ में आया कि नहीं आया बोलो, लिख लिया, एक मिनट सर, देख ये टाइप फोर इक्वेशन, और ऐसा टाइप का याद रख जो एडवांस के क्वेश्चंस में ही जनरली आता है। अब मैं टाइप फाइव सिखा रहा हूं, देखो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है, बहुत हाई फाई चीज नहीं है, देखो बेसिक पार्ट वही है, एवरी नंबर हैज गॉट टू कंपोनेंट्स, वन कंपोनेंट जो प्योरली इंटीजर है उसी को इंटीग्रल पार्ट कहते हैं, वन द अदर कंपोनेंट व्हिच इज प्योरली अ फ्रैक्शन दैट इज व्हाट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल पार्ट, बस उसी का ही सब ये सब कंक्लूशन है, ठीक है।
हो गया सर। हो गया, चलो अब टाइप फाइव डिस्कस करते हैं। तो देखो दो एग्जांपल मैंने लिया, आई होप कुछ तो समझ में आया होगा। यस सर। तो इस टाइप का पहचान क्या है बता, व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन मार्क? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक्स इज ऑलवेज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय इंटीजर्स, दैट इज द आइडेंटिफिकेशन मार्क। अब तुम कहेगा कि टाइप फाइव और इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस कुछ खास नहीं है, लेकिन यहां भी केसेस लेना होता है, लेकिन यहां थोड़ा लॉजिक अलग होता है। देखो मान लो यहां पे मैंने तुमको दिया कि सॉल्व से इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स बाय टू और प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स बाय थ्री और इज इक्वल टू फाइव। अब देखो यही क्वेश्चन अगर जेई एडवांस में पूछेगा, कैसे पूछेगा मालूम है? मान ले मैंने दिया कि इफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इज एक्स बिलोंग्स टू से ए बाय बी टू सी, तो चलो ये बताओ ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा? ठीक है, ऐसे दिया, समझ में आया? तो क्वेश्चन को मतलब आंसर इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करने में कुछ नहीं लगता है। खैर हम लोग ने दिया है, इसको सॉल्व करें। अब यहां पे पहले ही तुम्हें लॉजिक जज करना है। ध्यान से ये बात देखो, यहां भी एक्स है यहां भी एक्स है और स्क्वायर ब्रैकेट दोनों के ऊपर है। स्क्वायर ब्रैकेट यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑपरेटर लग गया तो ये इंटीजर ही होगा, और कुछ हो सकता है बताओ? सर अब ये देख, दोनों का दोनों इंटीजर सेम साइन का होगा कि नहीं, क्योंकि दोनों के अंदर एक्स है, दोनों के अंदर एक्स है तो यानी दोनों पॉजिटिव हो सकता है या दोनों ही नेगेटिव होगा। ऐसा हो सकता है क्या कि ये पॉजिटिव हो ये नेगेटिव हो? पॉसिबल है? बोलो। नहीं नहीं। तो अब यहां देखो दो इंटीजर्स है और राइट साइड में पॉजिटिव है, यानी मुझे पॉजिटिव ही लेना है। तो अब ये बताओ टू इंटीजर्स हैविंग सम फाइव, तो देखो ये जीरो हो सकता है, ये फाइव हो सकता है, ये वन हो सकता है, ये फोर हो सकता है, ये टू हो सकता है, ये थ्री हो सकता है, या ये थ्री होगा ये टू होगा, ये फोर होगा ये वन होगा, या ये फाइव ये जीरो। देखो यही ना पॉसिबिलिटीज है। देखो सम ऑफ टू इंटीजर्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, उसका सम फाइव है। देखो लॉजिक समझ में आया? तो मैंने ये सोच के इनका पॉसिबल वैल्यूज लिखा, ठीक है, ऐसे जजमेंट करोगे पहले। तो अब यहां देखो पहला केस मेरा क्या अराइज करता है, देखो पहला केस ये अराइज करता है कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स बाई टू इज जीरो एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स बाई थ्री फाइव है। देखो दिस एंड दिस, तब ये इक्वेशन होल्ड कर सकता है। अब बताओ इंटीग्रल पार्ट किसी भी नंबर का जीरो कब होता है? जब ये जीरो से वन में है और एक्स बाई थ्री तुम्हारा फाइव से सिक्स में है। देखो क्या ये कह सकते हैं? देखो कभी ना ये पॉसिबल है कि ये जीरो हो जाए ये फाइव हो जाए, तो यहां से हम क्या कहेंगे जल्दी बताओ? x is greater than zero और x is less than two, देखो क्या ये कह सकते हो? जीरो टू के बीच में। अब यहां से क्या कहोगे बताओ? इसको इधर ले, अगर तुम ले आते हो 15 और 18 के बीच में है। x किसके बीच में है? 15 और 18। 15 और 18 देखो ये है। तो अब यहां पे देखो क्या इन दोनों का कोई कॉमन है वैल्यू? नो सर। देखो इज देयर एनीथिंग कॉमन? इसका मतलब ये है ये पहला केस नहीं होगा, समझ में? मतलब पहला केस पॉसिबल नहीं है। अब देखो दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस में मैंने क्या किया कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स बाई टू को वन लिया एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स बाई थ्री को फोर लिया। तो देखो एक्स बाई टू तुम्हारा वन से लेकर टू में लाई करना चाहिए और एक्स बाई थ्री लाई करना चाहिए फोर से लेकर फाइव में, क्यों? तो अब यहां देखो एक्स किस में लाई किया? टू से फोर। यहां पे देखो एक्स लाई किया ट्वेल्व से लेकर फाइव इंटू थ्री फिफ्टीन। क्या यहां भी कुछ कॉमन है? देखो टू से फोर दिस एंड दिस, कोई कॉमन नहीं है, तो ये केस भी नहीं होगा।
अब सिमिलरली तुम केस थ्री लोगे, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स बाय टू इज टू एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स बाय थ्री इज इक्वल टू थ्री। तो एक्स बाय टू तुम्हारा टू से थ्री मिलाई किया और एक्स बाय थ्री थ्री से फोर मिलाई किया, ठीक है। तो बताओ एक्स लाई किया फोर से लेकर सिक्स और यहां पे एक्स लाई किया नाइन से लेकर ट्वेल्व, बताओ क्या इसमें कुछ कॉमन है? नो सर, यानी ये तीसरा केस भी नहीं होगा। अब देखो केस फोर, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स बाय टू इज थ्री एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स बाय थ्री इज टू, तो इसका मतलब क्या लिखोगे बताओ? ये थ्री से फोर मिलाई करना चाहिए और ये तुम्हारा टू से थ्री मिलाई करना चाहिए, क्यों? तभी ना होगा। तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू सिक्स लेस देन एट, यहां पे क्या आया? एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू सिक्स लेस देन नाइन। देखो कुछ कॉमन आप दिख रहा है, देख सिक्स एट नाइन, देख सिक्स से लेकर एट आया, एट कॉमन, सिक्स से लेकर नाइन, तो देख ये वाला कॉमन है कि नहीं? तो x belongs to 6 to 8, देखे एक इंटरवल आया। और ये अब केस 5 में, केस 5 में देखो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x by 2 अब 4 लिया, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x by 3 1 लिया, तो x by 2 तेरा 4 से 5 में लाई करना चाहिए, x by 3 लाई करना चाहिए 1 से 2 में। तो देखो x 8 से लेकर 10 आ गया और यहां x 3 से लेकर 6 आ गया, देखो क्या कोई कॉमन है? तो देखो इसमें सॉल्यूशन आया, इसमें नहीं आया। अब सिमिलरली केस सिक्स लेगा, तो देख इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स बाय टू इज फाइव, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स बाय टू इज जीरो, एक्स बाय थ्री, तो देख एक्स बाय टू तेरा फाइव से सिक्स और एक्स बाय थ्री हो गया तेरा जीरो से वन। तो एक्स यहां पे देखो टेन से लेकर ट्वेल्व और एक्स यहां आया जीरो से थ्री, देखो क्या यहां भी कोई कॉमन है? यानी इसमें भी सॉल्यूशन नहीं है। तो देखो इकलौता इसका सॉल्यूशन सेट, देख ये इंटरवल होगा, तो यहां लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? बोलो लिख लो, हम तो जल्दी जल्दी लिख दिया, लेकिन तुम लोग को समझ में आया लिखे हो कि नहीं ये बताओ। अभी लिख रहे सर, ठीक है। लिखने के बाद अब देखो सेम क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करके तुम लोग को देता हूं, तुम लोग इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। मैं उल्टा कर दिया देखो ऐसा, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ये लो अब तुम इसको सॉल्व करो, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में भी लॉजिक सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। देखो उतना ही केसेस यहां भी आएगा, देखो पॉसिबल वैल्यूज अगर हम लिखते हैं तो यहां भी देखो सम ऑफ टू इंटीजर्स इज हाउ मच? फाइव। देखो क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ टू बाई एक्स प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ थ्री बाई एक्स इज फाइव। तो यहां भी देखो x का साइन सेम होगा दोनों इंटीजर्स का। अब यहां पॉसिबल वैल्यूज हम अगर लिखते हैं तो देखो इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2 बाय x और इंटीग्रल पार्ट ऑफ 3 बाय x का पॉसिबल वैल्यूज, तो देखो 0, ठीक है, 5, 1, 4, 2, 3, 3, 2, 4, 1 और 5, 0। देखो यही केसेस ना राइज करेगा कि कुछ और करेगा? बताओ क्या हो गया, खामोश हो गया सब लोग? देखो तो अब यहां सॉल्व करते वक्त थोड़ा सा ध्यान देना होता है क्योंकि ये डिनोमिनेटर में और यहां भी एक्स पॉजिटिव ही होगा, इसीलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कोई टेंशन नहीं। देखो थ्री बाई एक्स तुम्हारा यहां पे 5 से लेकर 6 में लाई करना चाहिए, तो x का इंटरवल क्या आया? देखो x ग्रेटर देन 2 आया
और यहाँ क्या आया देखो, x ग्रेटर देन हाफ बट लेस देन इक्वल टू 5/3। बताओ क्या इन दोनों का कुछ कॉमन है? देखो एक कहाँ कॉमन है, एक ये बोलता है x ग्रेटर देन 2, ये बोलता है लेस देन 5/3। कुछ कॉमन? अब देखो अगला वाला केस क्या आता है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2/x इज इक्वल टू 1 एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ 3/x इज इक्वल टू 4। तो देखो 2/x तुम्हारा 1 से लेकर 2 में लाइक करना चाहिए और 3/x 4 से 5 में लाइक करना चाहिए, तभी ना ये पॉसिबल होगा। तो x यहां से देखो 2/2 1 आ गया और लेस देन इक्वल टू हाफ, देखो सॉरी मैं गड़बड़ कर रहा हूं, लेस देन इक्वल टू 2। तो यहां आया देखो 1 से 2, यहां आया ग्रेटर देन 3/5 बट x इज लेस देन इक्वल टू 3/4। देखो क्या कोई कॉमन है? यहां मैं उल्टा लिख गया, सॉरी यहां 3/5 आएगा, x इधर आएगा तो ये 3/5। तो देखो फर्स्ट केस में कोई नहीं है, सेकंड केस में कोई नहीं है। अब इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2/x इज इक्वल टू 2 एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ 3/x इज इक्वल टू 3। तो 2/x तुम्हारा 2 से लेकर 3 में लाइक करना चाहिए, तो x ग्रेटर देन 2/3 लेस देन इक्वल टू 1। यहां पे क्या आया, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेस देन 4। तो x इज ग्रेटर देन 3/4 बट लेस देन इक्वल टू 1। देखो अब यहां जरूर कॉमन दिख रहा है, देखो दोनों लेस देन इक्वल टू 1 है ना। तो ये बताओ 2/3 बड़ा है कि 3/4 बड़ा है? देखो 2/3 से लेकर 1 यानी ये वाला रीजन हुआ और 3/4 यहां पे है, तो देखो 3/4 से 1, तो इंटरसेक्शन रीजन ये है यानी x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 3/4 टू 1। देखो ऐसे आया इसका, तो देखो इस केस में सॉल्यूशन आया। अब केस 4 में देखो इंटीग्रल पार्ट ऑफ 3/x 2/x पहले, दिस इज इक्वल टू 3 एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ 3/x इज इक्वल टू 2। तो देखो इसका मतलब 2/x 3 से लेकर 4 में लाइक किया, 3/x तुम्हारा 2 से लेकर 3 में लाइक किया, तो x 2/4 यानी हाफ और ये हो गया लेस देन इक्वल टू 2/3। यहां आया x ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल टू 3/2। देखो फिर से कोई कॉमन है क्या? देखो इस केस में कुछ कॉमन नहीं है। अब अगला केस देखो, केस 5, तो यहां भी कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2/x इज 4 एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ 3/x इज 1। देखो 2/x शुड लाई बिटवीन 4 एंड 5, तो x ग्रेटर देन 2/5 लेस देन इक्वल टू 2/4 दैट इज हाफ, 3/x तुम्हारा 1 से 2 में लाइक करना चाहिए यानी x इज ग्रेटर देन 3/2 बट लेस देन इक्वल टू 3। देखो यहां भी कोई कॉमन नहीं, तो और केस 6 में भी कुछ कॉमन नहीं आएगा एक्चुअली, इसका भी वैल्यूज लिख लो। देखो ये 0 है, तो 2/x शुड लाई बिटवीन 5 एंड 6 एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ 3/x 0 कब होगा, जब ये 0 से 1 में लाई करेगा यानी x ग्रेटर देन 3, करेक्ट? तो यहीं पे लिख देते हैं x ग्रेटर देन 3, यहां से आया x ग्रेटर देन 1/3 2/6 लेस देन इक्वल टू 2/5। देखो तो केस इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है, देखो एक ही केस में सॉल्यूशन आया और x बिलोंग्स टू 3/4 ओपन टू 1 क्लोज। देखो दिस इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन। देखो ये समझ में आया कि नहीं आया बोलो? सर सेकंड केस में 3/4 से 3/5 होगा ना? एक मिनट देख लेते हैं, 3/ लेस देन इक्वल टू 3/5, हाँ यहाँ पे हम लिखने में गलती किया, 3/5 टू 3/4 होगा, ठीक है।
देखो ये समझ में आया सबको? तो अब ये एक्चुअली सिंगल वेरिएबल है. अब इसमें क्या है कि कभी डबल वेरिएबल भी मिक्स करता है वो काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए अभी हम उसको नहीं ले रहे हैं. ठीक है, क्वेश्चन मैंने एक तो बाद में नोटिस किया कि जैसे वेरिएबल दिया जाता है 2x या 3x या वैसा x/2 या x/3, तो उसमें ये गेस मार सकते हैं कि कौन सा बड़ा नंबर बड़ा होगा और कौन छोटा होगा, और जब भी आंसर आया वो उसी में आया है, तो ऐसे आधा और किस इसको कर सकते हैं, हटा सकते हैं. नहीं, अब जैसे उल्टा कर दिए तो देखो किस में आया था आंसर, 3/2 में आया था. हाँ, तो x/2 बड़ा होना चाहिए और x/3 जो है वो छोटा होना चाहिए. तो हाँ, और नियरेस्ट वाले में ही आंसर आता है, याद रखो नियरेस्ट वाला, यानी 2, 3, 3, 2 में जनरली आता है. लेकिन जब ये नंबर्स में वाइड वेरिएशन होगा ना, जैसे यहां मान लो 1/x देते और यहाँ 4/x देते, ठीक है, या 5/x दे देते, तो केस तब तुमको सब एनालिसिस करना पड़ेगा. ठीक है, तो इसीलिए मैंने वो नहीं बताया कि तुम खाली यही लो. इसमें ये नंबर्स क्या है कि एकदम आसपास लिया ना मैंने, तो इसीलिए यहां केसेस कम है. रेडी एवरीवन? हाँ, मिटा दें इसको. तो देखो ब्रॉडली ये 5 कैटेगरी पहले अच्छी तरह से मास्टर करो. अब देखो इनका बहुत एक्सटेंसिव एप्लीकेशन होता है हर जगह, चाहे वो डोमेन रेंज में हो या इंटीग्रेशन में हो या कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में हो, लिमिट में हो, हर जगह इसका इस्तेमाल होगा. हाँ, मैं 2-3 केस और सिखाऊंगा अभी. देखो अब एक क्वेश्चन ऐसे भी है, अगर मान लो मैंने दिया सॉल्व इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स. अब तुम कहोगे कि ये तो पांचों टाइप में किसी में भी नहीं है. हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि टाइप ऑफ इक्वेशन लिमिटेड थोड़ी होता है, वो तो इनफाइनाइट होता है. ठीक है, और हर वेराइटी तुम अभी अभी हम बोल रहे हैं अभी मतलब क्लास 12 तक के सिलेबस से पे बेस्ड सब वैरायटी तुम सॉल्व भी नहीं कर सकते हो. अब ऐसे केस में क्या करोगे? देखो जब ये क्वाड्रेटिक होगा क्यूबिक होगा तो देखो ये सब का एक पहचान होता है, यूनिक पहचान. देखो इसका डिग्री 2, इसका डिग्री 2, इसका भी डिग्री कितना है? 2 ही है ना. देखो ये 1 ये 1 मल्टीप्लाई किया. तो ऐसे केस में तुम एक छोटा सा काम करो, इसको डिवाइड कर दो एक्स स्क्वायर से. तो देखो इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इज 1 माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स बाय एक्स. देखो क्या हम ये लिख सकते हैं? और अब इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स बाय एक्स को तुम वाई मान लो फिलहाल. ठीक है, तो अगर हम इसको वाई मानते हैं तो देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस y, यानी y स्क्वायर प्लस y माइनस 1. देखो जीरो आया. देखो क्या ये क्वाड्रेटिक बन गया. तो जब देखोगे ऑल थ्रू आउट डिग्री 2 है या 3 है, तो ऐसे करके डिवाइड करके नंबर ऑफ मतलब आइदर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बाय इंटीग्रल पार्ट ऑफ x या x बाय फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, उसको एक वेरिएबल बना दो पहले. अब यहां इस क्वाड्रेटिक का रूट क्या होगा बोलो? -1 प्लस माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाय 2. देखो क्या ये लिख सकते हैं इसका रूट?
देखो हाँ ना कुछ तो बोलो क्या हुआ बच्चे yes, तो देखो एक रूट है रूट फाइव माइनस वन बाई टू और एक रूट है माइनस ऑफ रूट फाइव प्लस वन बाई टू. अब बताओ रूट फाइव अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? क्या हुआ कंफ्यूज क्यों? टू का स्क्वायर कितना होता है? फोर होता है. टू पॉइंट कितना होता है? टू पॉइंट टू मान लो. तो 2.2 माइनस 1 कितना हुआ? 1.2. 1.2 बाय 2 यानी ये लगभग 0.6 है अप्रोक्सीमेटली और ये माइनस 1.6 है अप्रोक्सीमेटली आई एम सेइंग नथिंग एग्जैक्ट. तो अब देखो y कितना है तुम्हारा इंटीग्रल पार्ट ऑफ. अब देखो फर्स्ट केस हम ले रहे हैं केस 1. इफ दिस इज रूट 5 माइनस 1 बाय 2 करेक्ट. तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू रूट फाइव माइनस वन बाई टू टाइम्स x. देखो क्या ये होता है? देखो इज दिस माय इक्वेशन. अब ये 0.6 है x है. अब हम इसको क्या सिखाया था कि ग्राफिकली सॉल्व करोगे. तो पहले इंटीग्रल पार्ट का ग्राफ ड्रॉ करते हैं. देखो ये 1 हो गया. 1 से 2 में देखो ये ऐसा होगा. 2 से 3 में देखो ये देखो दिस इज कॉन्स्टेंट एट 1 दिस इज कॉन्स्टेंट एट 2. सिमिलरली ये माइनस 1 है तो देखो ये यहां पे होगा ये माइनस 2 तो ये यहां पे माइनस 2 पे कॉन्स्टेंट होगा. देखो ऐसा टाइप का ग्राफ इंटीग्रल पार्ट का है कि नहीं? यस सर. इसलिए क्योंकि अभी हम फटाफट बना देगा तो फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे. अब देखो अगर ये इस पॉइंट से जाता है देखो ये 1.1 पॉइंट है कि नहीं ये वाला. तो देखो इसको अगर हम जोड़ेंगे देखो ये वाला का स्लोप कितना होगा? 1.1 को जोड़ोगे 0.0 को 45 डिग्री एंगल होगा यानी स्लोप 1 होगा. अब ये 0.6 है यानी स्लोप इसका कम है. तो स्लोप अगर कम है तो देखो ये ऐसे करके पास करेगा. अब ये इसको कट करेगा कि नहीं ये कैसे जजमेंट करोगे? तो इसका जजमेंट होता है यहां से. देखो ये वैल्यू कितना है? देखो एक्स टू ठीक है और वाई टू. ये वाई इक्वल टू 1 अगर तुम कहते हो यहां पे ध्यान से देखना ये वाला बात. तो ये स्लोप कितना हो गया बताओ? हाफ हो गया यानी 0.5. लेकिन मेरा स्लोप क्या है? क्या हुआ अभी भी कंफ्यूज हो? कोई कुछ नहीं बोल रहा. अगर तुम कोई कुछ बोलोगे नहीं तो फिर हम सॉल्व कर क्या रहे बोलता हो? क्या सबको दिखाई सुनाई पड़ रहा है? सर समझ में नहीं आया सर. एक बार मैंने क्या नहीं समझ में आया बोलो. पहले जो क्वाड्रेटिक बना के y निकाला यहां तक समझ में आया पहले बोलो. हाँ सर. यस हाँ. ये भी समझ में आया? ये भी नहीं आया? आया सर. नहीं ये और आया. ये जो मैंने x स्क्वायर से डिवाइड किया करके इसको y माना ये क्वाड्रेटिक बना ये दो पॉसिबल रूट्स है ये समझ में आया? यस सर. अच्छा चलो कोई बात नहीं. अब ये अगर समझ में आया तो देखो पहला y क्या है? y देखो इतना है पहला केस में लिया रूट फाइव माइनस वन बाई टू ठीक है. तो एक केस में मैंने इंटीग्रल पार्ट ऑफ x बाई x को ये लिया. ये तो समझ में आया? केस में भी गड़बड़ है कोई बात नहीं. अब ग्राफिकली तुम नहीं कर रहे हो क्यों? क्योंकि तुम लोग प्रैक्टिस नहीं किए हो तो इसलिए ग्राफ भूल गए हो. अब देखो ये तो लिख सकते हो ये डिग्री 1 है. हाँ, ये लिख सकते हो कि नहीं? अब डिग्री 1 इक्वेशन कैसे सिखाया था सॉल्व करना बोलो. डिग्री 1 कैसे सॉल्व करना सिखाया था तुम लोग? इतना जल्दी भूल जाएगा तो फिर कैसे? इसका मतलब तुम लोग रिवाइज ही कुछ नहीं करता है क्या? ये नहीं सिखाया इसको ऐसे तोड़ा जाएगा एक्स को? अरे टाइप 1 इक्वेशंस ऑफ टाइप 1 देखो ये सिखाया था कि नहीं बताओ. हाँ सिखाया था सर. हम कहते हैं तो ये स्टेप से ये स्टेप लिख सकते हो? यस सर.
अब ये इधर मल्टीप्लाई कर दो, इंटीग्रल पार्ट को लेफ्ट में ले आओ, तो 2 बाय रूट 5 माइनस 1 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, देख फ्रैक्शनल पार्ट, देख ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं सर। अब इंटीग्रल पार्ट कॉमन ले जाओ, एलसीएम लो, तो कितना आएगा बताओ? 2 माइनस ऑफ रूट 5 माइनस 1 बाय रूट 5 माइनस 1 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट, देख फ्रैक्शनल पार्ट, ये आता है। देखो ये स्टेप लिख सकते हो? यस सर। अब फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 1 में लाई करता है, तो ये पूरा चीज किसमें लाई करेगा बता? 0 से 1 में। अब ये कितना हो गया बता? 3 माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाय रूट 5 माइनस 1 इनटू इंटीग्रल पार्ट, दिस लाइज बिटवीन 0 एंड 1, ये कह सकते हैं कि नहीं? बोलो। कह सकते हैं सर। तो इंटीग्रल पार्ट का रेंज क्या है बता? 0 से लेके उसी का उल्टा, ये लिखेगा? देखिए समझ में आया कि अभी नहीं आया? आया सर। अब इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल, अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम बोल रहे हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं। रूट 5 माइनस 1 1.2 लगभग हुआ, और 3 माइनस रूट 5 कितना हुआ? 0.8। तो देख 12/8 यानी ये हो गया तेरा 3/2, तो देखिए 1.5 तक आता है अप्रोक्सीमेटली। यस सर। तो इंटीग्रल पार्ट का वैल्यूज क्या होगा? या तो 0 होगा या 1 होगा, दो ही पॉसिबिलिटी है। यस सर। नहीं है बताओ। अब इंटीग्रल पार्ट इस इक्वेशन में पुट करो, तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या हुआ? दिस इनटू 0 यानी कितना आया? 0। 0। और सेकंड पॉसिबिलिटी क्या आया? 1 पुट किया तो सेम टू सेम वही आया। तो अब यहां पे देखो, तो यहां पे हम इसके आगे इधर लिख रहा है, तो दिस मींस फ्रैक्शनल पार्ट इज आइदर 0 और इट इज 3 माइनस ऑफ रूट 5 बाय रूट 5 माइनस 1। देख दो चीज आया। तो x क्या हुआ? देख 0 के साथ तुम अगर 0 ऐड किया तो x एक 0 आया, और दूसरा हो गया देखो 1 प्लस 3 माइनस रूट 5 बाय रूट 5 माइनस 1। देख ये भी तो एक आया। तो अब एलसीएम ले ले तो देख रूट 5 माइनस रूट 5 कट गया, 3 माइनस 1 कितना हो गया? 2। तो 2 बाय रूट 5 माइनस 1, तो देखो ये एक सॉल्यूशन आया करस्पॉन्डिंग टू केस 1। देखो ये हम लोग एक्चुअली एनालिटिकली देखो कैलकुलेशन ज्यादा करना होता है, दैट इज द डीमेरिट, लेकिन तुमको जो समझ में आया तुम वही फॉलो करो। लिखा? नो सर, अभी लिख रहे हैं। अब देखो इसी को तुम रैशनलाइज कर लो तो ये कितना आएगा? रूट 5, तो दैट मींस तुम इसको ऐसे भी लिख सकता है x इक्वल टू 0 एंड रूट 5 प्लस 1 बाई 2। देख तो ये केस 1 के करस्पॉन्डिंग आया, ये मत बोल। हो गया सर। हो गया। अब देखो तुम मैनुअली चाहो तो बैल की तरह केस 2 भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करोगे तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? ये बताओ इंटीग्रल पार्ट और एक्स का साइन सेम होगा कि नहीं होगा? होगा सर। अरे एक्स अगर पॉजिटिव है तो इंटीग्रल पार्ट पॉजिटिव होगा, तो दो पॉजिटिव का रेशियो पॉजिटिव होगा। दोनों नेगेटिव है तो ये बता ये रेशियो भी नेगेटिव बाय नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। यस सर। तो वाई जो हम दो वैल्यू निकाला उसमें से ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है, क्योंकि ये तो रेशियो है ना। तो करस्पॉन्डिंग टू केस 2 कोई सोल्यूशन आएगा? नहीं आएगा सर। तो क्या सॉल्व करने का जरूरत है? नो सर।
अब समझ में आया कि ऐसा टाइप का इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है? यस सर। सो डिड यू अंडरस्टैंड दिस? लिख लिए सब लोग? ऐसा नहीं है, ये सब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मत सोचना कि कोई घटिया क्वेश्चन हम तुम लोग को करवा रहा है। मिटा दे इसको। यस सर। ओके, तो ये कैटेगरी याद रहेगा ना कि ऐसे भी लॉजिक अप्लाई किया जाता है क्वेश्चन जब मल्टीपल टर्म्स ऐसे मिक्स। तो अब देखिए एक और कैटेगरी सिखा रहा है। एक्चुअली ग्राफिकली करते ना तो फायदा यह था कि वो तुरंत दिख जाता और उस केस में सॉल्व करना बहुत आसान होता है। ठीक है, अब देखो जब मल्टीपल ऑपरेटर्स मिक्स्ड होगा, ठीक है, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन हम ले रहा है, देखिए मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस वन, ठीक है, प्लस मॉड्यूलस ऑफ सेवन माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, मैंने ऐसे दिया। तो देखो यहां मॉड्यूलस और ग्रेटेस्ट इंटीजर दोनों मिक्स्ड है, क्या हुआ समझ में आ रहा है? देखो अंदर मॉड्यूलस है और बाहर क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो जब दो दो ऑपरेटर्स मिक्स्ड हो तो क्या करेंगे? तो ऐसे केस में पहले अंदर वाला ऑपरेटर को यूज करोगे। तो बताओ इसका डेफिनेशन कहां चेंज होगा? मॉड एक्स माइनस वन का प्लस वन पे, इसका सेवन पे, प्लस सेवन, माइनस सेवन। तो देख वन और सेवन तेरा ब्रेक पॉइंट है कि नहीं? तो लेफ्ट हैंड साइड को पहले मॉड्यूलस का प्रॉपर्टी यूज करके हम ब्रेक करेंगे। तो बताओ x लेस देन वन, लेस देन इक्वल टू वन भी ले सकता है या यहां भी ले सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कहीं भी अभी लेगा तो एक जगह ले। देखो क्या ये तीन इंटरवल हम लोग लिखेंगे पहले मॉड्यूलस के लिए? Yes, sir. अब बताओ लेस देन वन में मॉड ऑफ एक्स माइनस वन कितना होगा? जो सिखाया था याद करो, जीरो डाल दो तो जीरो माइनस वन नेगेटिव हुआ, तो नेगेटिव का मॉड लिखना है तो क्या करेगा? पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस वन। तो माइनस एक्स प्लस वन या वन माइनस एक्स लिख सकते हैं। यहां देख जीरो डाला तो ये सेवन आया, तो ये एज इट इज रखेगा। देख कैसा लिखेंगे, अब वन टू सेवन में मान ले टू पुट किया, तो देख टू माइनस वन पॉजिटिव है तो ये एक्स माइनस वन रहेगा, ये सेवन माइनस एक्स ही रहेगा और ये माइनस सिक्स। ग्रेटर देन सेवन में देखो ये एक्स माइनस वन, ये एक्स माइनस सेवन और ये माइनस सिक्स। देखो ये स्टेप पहले समझ में आया कि नहीं? हाँ ना, कुछ तो बोलो। देखो मॉड्यूलस में हम लोग तीन क्लास चार क्लास में यही सब सिखाया था। आया सर। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अब देख वन माइनस एक्स को, ये देख स्क्वायर ब्रैकेट है तो इसको वन प्लस माइनस एक्स ऐसे लिखेगा और ये वन प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइनस एक्स। देखो ये स्टेप लिख सकते हो कि नहीं? देखो यहां जो मैंने समझाया, इंटीजर बॉक्स के बाहर चला जाएगा। यस सर। तो अब बताओ बाकी तुम लोग बोलो, फटाफट बोलने का आदत डालो, इसको क्या लिखेंगे? इसको हमने लिखा वन प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइनस एक्स, इसको क्या लिखेंगे बताओ? अरे अभी भी सोच रहा है, फटाफट बोल यार। सेवन प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइनस एक्स। हाँ, और माइनस सिक्स जैसे वैसे रहेगा, ये एक्स लेस देन वन के लिए हुआ। अब बताओ एक्स लाइन बिटवीन वन टू सेवन क्या लिखेगा, बोलो जल्दी बोलो, इसको क्या लिखेंगे? माइनस वन प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स। तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स माइनस वन ऐसे भी लिख सकता है, इसको क्या लिखेगा बोलो?
सेवन माइनस सेवन प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइनस एक्स और माइनस सिक्स एक्स ग्रेटर देन सेवन में क्या लिखेगा बताओ इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स माइनस वन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स माइनस वन इसको बोल इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ अब सिंपलीफाई करो और तो देखो ये हो गया सेवन प्लस वन एट माइनस सिक्स यानी टू प्लस टू टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन वन इफ एक्स लाइज बिटवीन वन टू सेवन देखो सेवन माइनस वन सिक्स माइनस सिक्स कट गया तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइनस एक्स एक्स अगर ग्रेटर देन सेवन है तो ये कितना होगा बोलो माइनस फोर्टीन देखो ये कह सकते हैं कि नहीं बता देखो ये सिंप्लीफाई पहले किया इसलिए क्यों देखो इतना बड़ा एक्सप्रेशन इक्वल टू जीरो करना मुश्किल है लेकिन आप देखो ये छोटा छोटा केसेस को इक्वेट करना जीरो के साथ आसान है अब यहां ध्यान देना देखो मेरा इक्वेशन क्या है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू जीरो तो अब हम पहला केस ले रहे हैं देखिए इफ एक्स इज लेस देन वन टू प्लस टू टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइनस एक्स इज जीरो तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइनस एक्स इज माइनस वन ये लिख सकते हैं कि नहीं बताओ तभी ना ये जीरो होगा यस सर अब बताओ कोई भी नंबर का इंटीग्रल पार्ट माइनस वन कब होता है जब वो माइनस वन से जीरो में लाइक किया यानी एक्स तेरा क्या हुआ देख माइनस से मल्टीप्लाई कर तो ग्रेटर देन जीरो लेस देन वन देख ये इसका सबसेट है कि नहीं आया ना ये लेस देन वन देख है ना तो ये वैलिड आंसर है अब देख दूसरा केस अगर एक्स तेरा वन से लेकर सेवन में लाइक किया अब इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइनस एक्स जीरो कब होता है मैंने प्रॉपर्टी सिखाया है बताओ भूल गया तुम लोग का ये सबसे बड़ा समस्या है तुम लोग कुछ रिवाइज नहीं करता है प्रॉपर्टीज मैंने ये बोला था कि ये इंटीजर होता है ये वन होता है इफ एक्स इज नॉट एन इंटीजर कुछ ऐसा प्रॉपर्टी पढ़ाया था यस सर तो बता ये जीरो कब है एक्स बीइंग एन इंटीजर तो ये सीधा बोल नहीं सकता था किसी का अब बता वन से सेवन में कौन सा इंटीजर है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो हम आंसर लिखेंगे x इक्वल टू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन देखिए होगा इसका सोल्यूशन अब x अगर तेरा ग्रेटर देन सेवन है तो बता टू टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ x माइनस फोर्टीन इज इक्वल टू जीरो कब होगा जब इंटीग्रल पार्ट ऑफ x सेवन होगा तभी ना पॉसिबल है अब देख ग्रेटर देन सेवन में कौन सा इंटरवल होगा सेवन टू एट होगा कि नहीं होगा अब ये बताओ यहां पे ध्यान से देखो तो ये जीरो कब कब आया देख तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन मुझे लिखना है एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू वन यूनियन अब देख ये पॉइंट्स आया एक दो तीन चार पांच छह सात और यहां पे यूनियन देख सेवन से एट देख ये आएगा कि नहीं आएगा सर देख समझ में आया तो जब मल्टीपल ऑपरेटर ऐसे मॉड्यूलस वगैरह कंबाइन होगा तो तुमको क्या करना है पहले मॉड्यूलस का प्रॉपर्टीज से ब्रेक करो उसके बाद सिंप्लीफाई जब ये हो जाए तब उसको इक्वल टू जीरो करो ठीक है जल्दी लिखो लिखो इसको जल्दी ये सब तुम लोगों को बहुत मुश्किल लग रहा है।